हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कुकिंग बाय रोशनी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा बच्चों से स्टार्ट करते हैं इसे। तो आज हम लोग बनाएंगे मिनी केक, मतलब छोटे वाले केक। तो इसे हम कटोरी में बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मिक्सर का बड़ा वाला जार ले लिया है। तो सारी चीज़ों को हम आज मिक्सर के जार में ही मिक्स कर बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कटोरी ले ली है। तो सारी चीज़ों का मेजरमेंट मैं इसी कटोरी से आज लेने वाली हूँ। तो आप ही इस तरह से कोई एक कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा और सारी चीज़ों का मेजरमेंट जो भी मैं अभी आपको बताऊँगी उसी कटोरी से कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस कटोरी में हम लोग 3/4 कप सूजी डाल देंगे। बारीक वाली सूजी हो या मोटी वाली दोनों चल जाएगी, क्योंकि हम वैसे भी इसे पीसने वाले हैं मिक्सर में। तो ये 3/4 कप लिया है मैंने। 3/4 मतलब हमें 75% सूजी लेना है कटोरी में। उसके बाद हम लोग इसमें आधा कटोरी शक्कर डाल देते हैं। सेम कटोरी से सारे मेजरमेंट लेंगे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे, और इसे हम लोग इसमें ऐड कर अच्छे से पीस लेंगे। अच्छा, इसका फाइन पाउडर हम लोग बना लेंगे। तो चलिए फिर इसे मैं पीस लेती हूँ। तो इसके बाद हम लोग इसमें 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा डालने से क्या होगा ना कि सूजी का केक थोड़ा ड्राई लगता है खाने में, तो मैदा डाल देने से थोड़ा सॉफ्ट लगेगा और एकदम बिखरेगा नहीं सूजी वाला जो केक होता है। तो 1/4 कप हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। उसके बाद आधा कटोरी हम लोग यहाँ पर दही डालेंगे, फ्रेश दही यूज़ करना है। और उसके बाद हम लोग 1/4 कप ऑयल डालेंगे। आप बटर या घी भी इसमें डाल सकते हैं। तो 1/4 कप मतलब 25% ही हमें भरना है कटोरी को। और सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कटोरी मिल्क लिया है, तो उसमें से 1/4 कप ही मैं अभी ऐड कर रही हूँ, मतलब 1/4 कप ही कटोरी डाल रही हूँ। और केक में फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच वनीला एसेंस ऐड किया है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे केक में। अब सभी चीज़ों को हम लोग 1 मिनट के लिए मिक्सर में चला लेंगे, ताकि एकदम लम्स फ्री हमारा जो बैटर है केक का वो तैयार होगा। तो चलिए इसे मिक्सर में घुमा लेते हैं। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये मिक्सर हमारा इस तरह से हो गया है। और थोड़ा सा अभी ये पतला लग रहा है, बट टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो सूजी को हम जब थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगी, तो हमारा जो बैटर है वो थिक हो जाएगा। तो इस बैटर को अब हम लोग 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो जिस भी कटोरी में हमें केक बनाना है उसे ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आपको मैदे की डस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सा ऑयल लगा देंगे वही काफ़ी है। बट हैवी सरफेस की कटोरी लेना है, पतली कटोरी में केक चिपक सकता है। तो इस तरह से सभी कटोरियों को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम लोग गैस पे कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो कोई भी कढ़ाई या कुकर आप ले सकते हैं, बस हैवी बेस का हमें लेना है। उसके में कोई जाली या स्टैंड हम लोग रख देंगे और इसे कवर कर हम लोग 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो ये हमारी 2 तैयारियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं बैटर को। तो बैटर पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बैटर एकदम परफेक्ट है केक के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब केक में अच्छा सा स्पंज लाने के लिए मैं यहाँ पे 1 पैकेट इनो फूड सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। बिना फ्लेवर्ड वाला हमें इनो यूज़ करना है। तो ये इनो डालकर हम लोग इस पर 1 चम्मच मिल्क डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पर आपने एकदम छोटी कटोरी से मेजरमेंट लिया है अगर सभी चीज़ों का, तो आप आधा ही पैकेट इनो यूज़ कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है और इसे अब रखना भी नहीं है। इसे मिक्स कर फटाफट से हमने जो कटोरियों को ग्रीस करके रखा था उसमें डाल देंगे। तो आधा ही कटोरी हमें यहाँ पे बैटर भरना है, क्योंकि केक बेक होने के बाद थोड़ा ऊपर तक आएगा फूलकर। तो सभी कटोरियों में मैंने बैटर डाल के इस तरह से रेडी कर लिया है। उसके बाद इसे गार्निश कर देते हैं हम लोग टूटी फ्रूटी से। केक में टूटी फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, और देखने में भी बहुत इसका लुक बढ़ जाता है टूटी फ्रूटी से। आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अपने पसंद के। तो फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे कटोरी केक्स आप लोग बच्चों की बर्थडे पार्टी पे स्पेशली बना सकते हैं। और जब भी आप बच्चों को नाश्ते का प्लेट सर्व करें, एक एक ये मिनी केक आप उन्हें दे सकते हैं, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है उन्हें। तो देख सकते हैं आप, सारी कटोरियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग बेक होने के लिए रख देते हैं। तो इधर ये कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो बहुत ही केयरफुली हम लोग इसमें सभी कटोरियों को रख देंगे। एक स्टेप फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पर भूल गई थी करना, हमें सभी कटोरियों को बेक करने से पहले एक एक बार टैप कर लेना है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर हो वो निकल जाए। और उसके बाद हम लोग सभी कटोरियों को बेक करने के लिए रखेंगे। तो मैंने कढ़ाई में जो जाली रखी है फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की जाली ना हो तो आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर सभी कटोरियों को रख कर हम लोग इस तरह से कवर कर देंगे और इसे हम लोग बेक कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट बाद मैंने इसे ओपन किया, देख कर ही पता चल रहा है ये अच्छे से बेक हो चुका है। तो टूथपिक डालकर हम लोग इसे चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि पता चल जाए अच्छे से कि अंदर तक ये बेक हुआ है या नहीं। तो ये एकदम क्लीन निकला है टूथपिक, ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है, बेक हो चुका है सॉरी।
तो इसे हम लोग गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इस तरह से कवर करके किसी क्लॉथ से हम लोग इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस तरह से रखने से हमारे केक की जो ऊपर की लेयर है वो हार्ड नहीं पड़ती है। तो देखिए ठंडा होने के बाद केक ने एजेस को अपने आप ही छोड़ दिया है। इस तरह से नाइफ घुमाकर हम उसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये केक निकल गया। तो आप इसकी जाली देख सकते हैं कितनी अच्छी पड़ी है और देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो इसी तरह से सारे केक को हम लोग निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये केक को बनाना बहुत ही आसान है। बस जो भी कटोरी आप केक को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं थोड़ी मोटी यूज़ कीजिएगा ताकि हमारे केक चिपके ना उसमें। तो सभी केक को हम लोग इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। तो हमारे सभी केक देखिए बनकर तैयार हैं। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देख के और बहुत ही अच्छे से स्पंजी बने हैं और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। अब तक ख्याल रखिए, अपना मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।